और मानूर एंटरप्राइजेज़ हम 2001 से ये बिज़नेस में हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में हम अभी इस साल से आए हैं। नाज़रीन, फूड एशिया की एग्जीबिशन के अंदर हम मानूर इंटरप्राइजेज़ के स्टॉल पर मौजूद हैं, जहां पर मानूर इंटरप्राइजेज़ के सीईओ हमारे साथ हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम खुर्रम है और मानूर इंटरप्राइजेज़ हम 2001 से ये बिज़नेस में हैं, लेकिन मैनुफैक्चरिंग बिज़नेस में हम अभी इस साल से आए हैं। और अभी हम इस दफ़ा हमने एक नया ब्रांड फूड ओपरा के नाम से इसके एक वाइड रेंज हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें और 2 से 3 माह में ये सारे मुल्क में दस्तियाब होगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम इसमें कर रहे हैं जैम्स हैं, चटनियाँ हैं, और जो हमारी स्पेशल प्रोडक्ट है वो इसमें एलापिनोज हैं, जो आमतौर पे लोग घरों में पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर्स में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सर, आपके प्रोडक्ट्स में कोई स्टैंडर्ड्स हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये 100% ऑर्गेनिक है, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल, बल्कि केमिकल्स इस्तेमाल ही ना हो। और इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फ्रूट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, या पेपर्स हैं, या केचप्स के लिए जो स्पेशली वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, वो हमारे अपने फार्म से आ रहे हैं। उसके अलावा सर, हर फील्ड के अंदर कॉम्पिटिशन्स तो लाजमी होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर या आप किस जो है मकाम पर अभी खड़े हैं? नहीं, हम यहाँ पे किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझते। ये मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसमें कोई, मैं तो किसी को कॉम्पिटिटर नहीं समझता हूँ अपना। और वैसे भी हमारा अभी स्टार्टअप है, तो हमें टाइम लगेगा उस पोजिशन में जाते हुए जब हम इस किस्म की बात करें। लेकिन इसमें कंपटीटर कोई नहीं होता, ये कस्टमर की डिमांड है। जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो उस वक्त कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। इसमें किसी से मुकाबला है या कुछ करना है तो हमारा ख्याल नहीं, और ना हम इस ख्याल से मार्केट में आए हैं। तो हमारा तो जो प्लान है और जो हम सोच रहे हैं वो ये है कि हम लोगों को सस्ती और हेल्दी, और उसके सबसे बड़ा आइडिया हमारा ये है कि हम जो इम्पोर्ट्स के ऊपर रिलाय कर रहे थे, हम उसको ख़त्म करें और लोकल इंग्रेडिएंट के साथ एक अच्छी प्रोडक्ट अपने लोगों को दें, कंज्यूमर को दें, ताकि इसमें मुल्क का जो फॉरेन रिजर्व है वो भी ज़ाया होता है इम्पोर्ट्स पे, वो भी बचे, और उसके साथ लोगों को जो एक सस्ती और मयारी चीज़ मिले। थैंक यू सो मच।